Hey students, let's start with our first chapter. Sets. कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था, बेसिकली रिकैप किया था बिफोर 10th, हम जो भी जानते हैं इसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ सेट्स. मैं जैसे ही डेफिनेशन है वगैरह जो कुछ भी लिख रहा होऊंगा, स्टेटमेंट थ्योरी वाला जब भी पार्ट रहेगा आपको लगे आप लिख लेना है. बट अगर हम कोई सम सॉल्व कर रहे हैं, पे अटेंशन, वो नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगा. थ्योरी अंडरस्टैंड लिखते टाइम बेटर होता है. जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो आपको वो पूरा प्रोसेस पहले अंडरस्टैंड करना है, बाद में कम से कम इमिटेट तो करना है. नकल तो उतार सकते हो किस तरीके से सॉल्व किया स्टेप वाइज, वहां से शुरू करना है. तो सेट का डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज सेट. हर क्लास के टाइम पे मुझे एक थॉट लिखने की आदत है, इफ यू वांट अगेन नोट डाउन कर सकते हो. और ये सिर्फ रीडिंग के लिए अच्छे थॉट्स इसलिए नहीं है, ये आपको अप्लाई करना है लर्निंग के लिए. लिमिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप towards learning. Imitation मतलब अभी जस्ट बताया, imitate करना मतलब नकल उतार, ये पहला स्टेप रहता है लर्निंग के लिए. अगर कोई चीज अगर नहीं आ रही है, किसी और ने किया है देख लिया, कम से कम उसको कॉपी तो कर सकते हो. YouTube बगुन मुलिंदी डॉक्टर मदेश्वर पाटिल सब सीखते, नकल उतारना तो आता है राइट. वहां से आपका लर्निंग की तरफ जाने का रास्ता खुल जाएगा, ठीक है. तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट. अ सेट इज व्हाट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे तो हमारे यूनिवर्स में जितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे हम उसको सेट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट्स का हो या फिर एलिमेंट्स का. अगर हम इसका अगर एग्जांपल अगर देखने जाएंगे, लेट जस्ट से मैंने सेट ए को डिफाइन किया. सेट ए मेरा है जी ए बी सी डी अप टू, मैंने बोला जी एक्स वाई जेड. ये मेरा एक सेट है, ये सेट के अंदर क्या है, मेरे इंग्लिश अल्फाबेट्स है. लेट जस्ट से मैंने एक सेट बी बोल दिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जेटा बीटा आयोटा सिग्मा लैम्डा, जानते हो ना ये. अब सेट ए हमारा इंग्लिश अल्फाबेट्स का था, सेट बी हमारा ग्रीक अल्फाबेट्स का है, ठीक है. तो ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो कलेक्शन तो है, बट किस टाइप का कलेक्शन, वेल डिफाइंड, दे हैव सम कॉमन ग्राउंड, तभी वो एक कैटेगरी में आ रहा है. जब हम किसी भी स्पोर्ट का एक टीम बोलते हैं, वो जो सारे प्लेयर्स है वो डिफरेंट है, और कॉमन ग्राउंड क्या है, वो सारे मिलकर एक ही स्पोर्ट खेलने वाले हैं, ठीक है. सो वेल डिफाइंड का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, नोट दैट एवरी एलिमेंट विल हैव सम कॉमन ग्राउंड टू बी पार्ट ऑफ दैट सेट. एवरी एलिमेंट हैज सम कॉमन ग्राउंड to belong in that collection, ठीक है. उस collection में belong करने के लिए उसके अंदर कुछ कोई common similarity के अंदर वो एक part, ठीक है. हमारा next part is property of sets.
सेट। अब सेट को अगर हम नंबर के जैसे कंपेयर करेंगे, नंबर के जैसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं वापस से बताता हूँ। जब हम मैथ का इंट्रोडक्शन हुआ था बचपन में, हमने काउंट करना सीखा, और कोई भी अगर एक नंबर रहेगा उसके कितने वैल्यूज रहते हैं, दो वैल्यूज रहते हैं। कौन बताएगा किसी भी नंबर के कौन से दो वैल्यूज रहते हैं? गलत, खंगालो दिमाग को, खंगालो, बोलो 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 बोल जबान पे, यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पर लाना। गलत, कांस्टेंट वही अलग है, वेरिएबल अलजेब्रा का पार्ट है। अरिथमेटिक के अंदर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात कर रहा था, हमेशा अरिथमेटिक में हूँ। नंबर्स के कौन से दो वैल्यूज होते हैं आपको पता है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, बराबर। तो फेस वैल्यू मतलब क्या रहता है? नंबर जो दिख रहा है वो है, बट प्लेस वैल्यू मतलब बाकी के, वो जो पूरा ग्रुप रहेगा, वो एक जो डिजिट रहेगा वहां पर, उसका बिलोंगिंग कौन सी प्लेस पे है, उसके ऊपर हम बोलते हैं कि उसका एक प्लेस वैल्यू भी रहता है, याद है, बराबर है। बट नंबर के उससे ज्यादा कुछ वैल्यू हो सकते हैं, पॉसिबली नहीं रहेगा। बट जब हम सेट की बात कर रहे हैं, सेट इज व्हाट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट चेंज हो गए तो हर एक एलिमेंट की वजह से उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। बट हमें एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी नहीं देखना है, हमें किससे रिलेटेड देखना है? सेट से रिलेटेड। तो अगर मैं सेट को अगर कलेक्शन बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये किस टाइप का कलेक्शन रहेगा जी? काउंटेबल रहेगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, मैंने सारी की सारी चीजें कलेक्ट कर दी। खेलण्यासाठी माझे सर्व फ्रेंड्स आले, क्योंकि आपने क्या किया, हर एक को काउंट किया, ठीक है। तो जब भी आप किसी कलेक्शन की बात कर रहे हो, वो हमेशा खुद का एक प्रॉपर्टी लेकर आए, ठीक है। एक ही प्रॉपर्टी है सेट का, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बुलाते हैं जी? कार्डिनैलिटी। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो अब ये कार्डिनैलिटी है क्या, हम उसको डिफाइन करेंगे। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी मतलब काउंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो जो भी नंबर रहेगा इट विल बी कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कोई एक स्टूडेंट अगर आता है, तो उसका नाम रहेगा, उसका खुद का एक आइडेंटिटी रहेगा। आइडेंटिटी मतलब क्या रहता है? बेसिकली एक प्रॉपर्टी रहता है। सिमिलरली वैसे ही जैसे कभी भी अगर एक सेट आएगा तो खुद का प्रॉपर्टी लेकर आएगा, कौन सा वाला? कार्डिनैलिटी। कोई भी अगर एक सेट रहेगा उसके अंदर कुछ तो एलिमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे। हम जब भी किसी भी सेट को डिफाइन करने जाएंगे, हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? हमेशा कार्डिनैलिटी पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक प्रॉपर्टी समझ में आ गया, बहुत इजी है। तो अगर मैं अगर यहाँ पर ए सेट को जब देख रहा था, तो अगर हम बोलना चाहेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, हम वही एग्जांपल देखे जो प्रीवियसली होता है, ठीक है। अब कार्डिनैलिटी मतलब हमने क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए को हम नोट कैसे करेंगे? इज नोटेड एज, इसको हम दिखाते हैं जी लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसको लिखते हम ऐसे हैं, बट रीड आप दो तरीकों से कर सकते हो। यू कैन आइदर से कार्डिनैलिटी ऑफ ए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ए बोलो, सेट ए बोलो, बट सेट ए बोलने की आदत डालो, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना, नाउन एंड प्रोनाउन का पर्पस पता है ना?
जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हर बार नाउन यूज करने का सेंस नहीं बनता, इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। बट अगर हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं। व्हाट इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तीन लड़के, और मैंने बोला कि फिर उसने उससे कहा, किसने किससे कहा, वी डोंट नो द एग्जैक्ट राइट। जब भी हम सेट की बात कर रहे हैं कार्डिनलिटी वैरी करेगा, उसके अंदर के एलिमेंट्स वैरी करेंगे, तो यू हैव टू स्टेट इट, आपको नाउन वाले फॉर्म में ही बोलना है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, दिस विल बी रेड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको इस तरीके से रीड करना है। बट लिखते टाइम हम कैसे लिखेंगे, एन ऑफ ए, ठीक है, लिखना एक तरीका रहता है, बोलना दूसरा एक तरीका रहता है। जैसे कि ग्रामर में जब भी फुल स्टॉप आता है तो हम रुक जाते हैं, हम उसको रीड नहीं करते ना, माला भूख लग लिया है फुल स्टॉप, समझ में आया। तो हमने ऐसा लिखा, तो प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना लिखेंगे, 26। डिनोट हम करेंगे कुछ इस तरीके से। अगर हमें कोई अगर दूसरा एग्जांपल देखना है, मैंने डिफाइन किया जी सेट बी, सेट बी कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 10, ठीक है, उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 10, ठीक है, कार्डिनलिटी अंडरस्टैंड हो गया। उसको हम लिखते किस तरीके से, वो काउंट हो गया। देखो हम सेट्स का ही अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, बट हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, हमने नंबर्स को जिस तरीके से सीखा था उसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, बस नंबर्स की जगह हम सेट्स के बारे में, ठीक है। अगेन हाँ, नंबर्स में हमने टाइपोलॉजी ऑफ नंबर्स देखा था, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर्स रहते हैं, अभी आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो ये भी क्या रहेंगे, एक सेट ही रहेंगे, ठीक है। तो ये टाइपोलॉजी किसके अकॉर्डिंग पड़ा, उसके अंदर कौन से नंबर्स इन्वॉल्व थे उनके ऊपर था, काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स थे, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स हमारा होल नंबर हो गया। तो मतलब एलिमेंट कौन से उसके ऊपर हमने डिफाइन किया नंबर्स के टाइपोलॉजी को, ठीक है। सिमिलरली हम जब हम सेट के टाइपोलॉजी को डिफाइन करने जाएंगे, हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, सेट की प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी क्या है अपना, कार्डिनलिटी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे उसके हिसाब से उसके टाइपोलॉजी बढ़ेंगे, क्लियर। सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेट्स के लिए अंदर टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, और ये सेट्स का जो टाइपोलॉजी है उसके लिए हम एग्जैक्टली किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जी, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब कार्डिनलिटी के ऊपर फोकस रहेगा। एक चीज हमेशा याद रखो, सेट को जब भी आप डिफाइन कर रहे हो कर्ली ब्रैकेट्स में ही दिखाना है। अब यहाँ पर मैथ के अंदर आपके हर एक ब्रैकेट का, हर एक सिग्नेचर का मतलब होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, राइट, हम इसको आड़ा लाइन खड़ा लाइन नहीं बोलते हैं, राइट। इसका मतलब क्या रहता है, देयरफॉर, इसका मतलब क्या रहता है, सिंस, हमें पता है, अगर कुछ पता नहीं रहेगा, आई विल इंट्रोड्यूस सम ऑफ द न्यू, इंट्रोड्यूस होगा अभी आपको, तो डोंट वरी। जब भी ऐसा कोई अगर सिग्नेचर आता है उसका मतलब क्या है, रीड क्या करना है, तो कहाँ पर यूज होता है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होगा वैसे, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक, हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम कितने सेट्स के ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ एक, तो टाइप्स ऑफ सेट्स हम देख रहे हैं, बट फिलहाल हम सिर्फ एक सेट की कार्डिनलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं कलेक्शन की बात करूं, मेरे कलेक्शन में कम से कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी नहीं, किसी चीज का ना होना भी तो एक नंबर है, राइट। तो हमारा पहला वाला टाइपोलॉजी बनता है जी नल सेट,
नल सेट को एम्प्टी सेट भी बुलाया जाता है या फिर उसे वॉइड सेट भी बुलाया जाता है। नल सेट, अब नल सेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज जीरो। व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज जीरो, व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट इज जीरो, इट इज कॉल्ड एज नल सेट। इट इज कॉल्ड एज नल सेट। नोट्स में लिखते थे अगर आप ऐसा करते, वही नल सेट कह रहे थे, कार्डिनलिटी जीरो नल सेट का था। ये रिवीजन के टाइम ये नॉर्मली रीड करते टाइम पूरा का पूरा रीड करते, एटलीस्ट पहले दो तीन रीडिंग तो कंप्लीट रखा करो, बाद में आप उसको शॉर्ट वर्जन में कर सकते, ठीक है? ठीक है। अब जैसे कि अब नल सेट का अगर हम कोई अगर एक डिफाइन अगर करना चाहते, जैसे मैं एक सेट ए को डिफाइन करता हूँ, मैंने बोला जी इट इज अ सेट ऑफ निगेटिव होल नंबर, मैंने सेट को डिफाइन कैसे किया? निगेटिव होल नंबर्स। होल नंबर्स निगेटिव होते हैं क्या? नहीं होते। तो निगेटिव होल नंबर्स में कितने एलिमेंट्स हैं? जीरो। एक भी नहीं आएगा, मतलब जीरो आएगा। तो हम सेट ए को कैसे डिफाइन करते हैं? वही सेट ए इज कंसिस्ट ऑफ नथिंग। तो नल सेट को हम सिर्फ इस तरीके से शो करेंगे या फिर उसको दिखाया जाता है इस तरीके से। ये ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है? This is actually Greek alphabet और इसका नाम रहता है जी पाई। Not phi, they call as pi। इसको read करेंगे हम। Phi मतलब क्या रहेगा? नल्स। हमेशा हर जगह पर बोलते। तो नल सेट को शो करने के दो तरीके, either curly bracket open and close कर दो, या फिर हम सीधा फाइ लिख देंगे। फाइ का मतलब रहेगा नल से कार्डिनलिटी जीरो। हमारा दूसरा वाला टाइपोलॉजी रहेगा जी सिंगल टन सेट। मैं अगर काउंट अगर करने जाऊं तो हमारा काउंटिंग नंबर में पहला नंबर कौन सा? वन। मैं कलेक्शन को कलेक्शन तब बोल सकता हूँ, कम से कम उसके अंदर कितने एलिमेंट है? एक तो एलिमेंट है, एक तो एलिमेंट है, तब हम उसको बुलाते हैं जी सिंगलटन सेट। जैसे नल सेट को डिफाइन किया वैसे ही हम सिंगलटन सेट को डिफाइन करेंगे। व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट इज वन, इट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। When cardinality of any set is one, it is called as singleton set. मतलब नाम भी इस तरीके से है जो हम डेली लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं उसके वजह से। एम्प्टी, खाली, कुछ भी। सिंगल टन, सिंगल, ओनली वन, ठीक है? अब सिंगल टन सेट को अगर मैं एग्जांपल अगर लेना चाहूँ, लेट्स जस्ट से मैंने बोला कि मैंने एक सेट अगर लिया लेट्स जस्ट से पी, ठीक है? और पी को मैं बोल रहा हूँ भाई नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में मैंने कैसे डिफाइन किया? सेट पी किसका सेट है? इट इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। और हम जितना नंबर्स के बारे में जानते हैं नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव एक ही नंबर है, दैट इज जीरो, ठीक है?
तो हम पी को कैसे लिखेंगे जी, इस तरीके से, दिस इज नॉट अ नल सेट, ओके। जीरो रहना इज डिफरेंट एंड कार्डिनलिटी जीरो रहना इज डिफरेंट। यहाँ पर जीरो प्रेजेंट है, मतलब ये खुद एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं जी, यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज इक्वल टू वन। अब देखो कई बार आपको ये वाला साइन आएगा, इक्वल का साइन और सामने एरो लगाकर, इसको हम रीड करते हैं जी, इसका मतलब रहता है इम्प्लाइज दैट, जिसको हम ऐसे रीड करते हैं इम्प्लाइज दैट। अगर मेरा सेट पी है, इसका मतलब पी को हमने डिफाइन किया, पी दिख रहा है हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो अगर सेट पी दिया है तो हम उसका मतलब ये बोल सकते हैं, सिर्फ इतना भी अगर पार्ट दिया रहे, ये पार्ट को ढक लो, आप अगर सिर्फ ये पार्ट पे ऑब्जर्व करोगे, कार्डिनलिटी पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक दिख रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज इक्वल टू वन। अब इम्प्लाइज दैट, इसको हम रीड ऐसा करें, जैसे हम किसी एक और सेट को डिफाइन करते हैं, सेट एस, बोला रहेगा कि पाइथागोरस कांस्टेंट है। कोई जानता है पाइथागोरस कांस्टेंट कौन है? तो एस को हम कैसे लिखेंगे जी, रूट टू, रूट टू। अब ये खुद क्या है, एक अकेला नंबर है। अब जैसे ही ये सेट देखा, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इफ सेट ए कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट रूट टू इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज इक्वल टू वन, देयरफॉर। अब ये दो एग्जांपल्स के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं, सेट पी इज अ सिंगलटन सेट, सेट एस इज अ सिंगलटन सेट। अब ऐसा नहीं रहेगा कि सर जीरो के लिए एक टाइपोलॉजी, वन के लिए दूसरा नाम, दो रहेंगे तीसरा नाम, तीन रहेंगे चौथा, ऐसा नहीं, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम शुरुआत में ज्यादा डिटेल्स के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे ही पैटर्न पता चल गया, नल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एग्जैक्टली पता है, काउंट कर सकते हैं, सिंगलटन सेट काउंट कर सकते हैं, पहले 10 नेचुरल नंबर, कार्डिनलिटी क्या रहेगा, 10, राइट। पहले जीरो के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वाले पहले 50 इंटीजर्स, उधर के 50, इधर के 50, 100 और कुल 0, 101, तो काउंट हो सकता है, ठीक है। तो जब हमारा कोई भी सेट के सारे एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, तो उस टाइपोलॉजी को हम क्या बुलाते हैं, फाइनाइट सेट। इसमें एक से ऑब्वियसली ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे, बट जितने भी रहेंगे हम उनको काउंट कर सकते हैं। Such type of set is called as finite set. Understanding जैसे create होता है, तो उसको हम एक statement में note down करेंगे. When cardinality of set is known, when cardinality of set is known, या फिर हम बोलेंगे define. It is called finite set. जब कार्डिनलिटी आपको पता रहेगा, आप उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है ये एग्जैक्टली काउंट कर सकते हो, ठीक है। इसी को अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। इसी को अगर एक सिंगल स्टेटमेंट में अगर याद रखना है, उसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, जो भी रहेंगे वो फाइनाइट रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, फाइनाइट सेट। ऑब्वियसली एक से ज्यादा रहेंगे, बट जितने भी रहेंगे हम पता कर सकते हैं।
जैसे कि अगर मैंने एक सेट लेट द सेट डिफाइन किया सेट m, इसको बोला जी फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो मेरा सेट m क्या रहेगा एक्चुअली 1, 2, 3 ऐसा जाएगा जी अप टू 49, 50 ठीक है। अब ये अगर सेट डिफाइन किया तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट m इज इक्वल टू 50, सो व्हाटएवर द एलिमेंट्स आर दोज आर काउंटेबल, उसका कार्डिनलिटी हमें पता है या फिर पता कर सकते हैं या फिर वेल डिफाइन रहेगा, डिफाइन किया ठीक है, जब कार्डिनलिटी पता रहेगा वी विल कॉल दैट काइंड ऑफ सेट एज अ फाइनाइट सेट। हमारा चौथा टाइपोलॉजी रहेगा जी इनफिनाइट सेट, अब फाइनाइट एंड इनफिनाइट हम डेली लैंग्वेज के हिसाब से उनको एक दूसरे के एंटोनिम बुलाएंगे, जो फाइनाइट नहीं होगा वो इनफिनाइट होगा, जो इनफिनाइट नहीं होगा वो फाइनाइट होगा, तो जो फाइनाइट का डेफिनेशन है उसी का अपोजिट लॉजिकली अपोजिट, मतलब व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज अननोन or not defined, it is called as infinite set. So when cardinality of any set is unknown, क्या उसको बोलेंगे जी cannot be defined, is called infinite set. It's called infinite set. और इसका अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो भाई हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने कैपिटल N एक सेट बोला, इसको बोला जी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ठीक है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर्स, कितने एलिमेंट्स है नहीं पता, इनफिनाइट कैपिटल आर लेकर सेट ऑफ रियल नंबर्स भी बोल सकता हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स भी बोल सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स भी बोल सकता हूँ, गॉट इट। तो जब आपका कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये हमें नहीं पता, हम उसको बुलाएंगे इनफिनाइट से। अब जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया फाइनाइट सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, तो इनफिनाइट सेट के लिए क्या होगा अनकाउंटेबल नहीं रहता, नॉन काउंटेबल रहता या फिर अनअकाउंटेबल रहता ठीक है। तो उसका हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनअकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल भी बुला सकते हो, अकाउंट का मतलब पता है ना खाता, इसमें जो भी रहता है वो काउंट कर सकते, अनअकाउंट जो हम काउंट नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड एज इनफिनिट सेट। अब देखो ये जो हमने चार टाइपोलॉजी देखे, हमने कितने सेट्स के बारे में देखे, हमने सिर्फ एक ही सेट की कार्डिनलिटी के ऊपर फोकस किया, भाई कार्डिनलिटी जीरो है तो नल सेट बोलो एम्प्टी सेट बोलो उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ तो उनके बीच में रिलेशन है, तो हमारे जो पहले चार टाइपोलॉजी है वो सिर्फ एक सेट की कार्डिनलिटी के ऊपर
फोकस करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइपोलॉजी है वो कितने सेट्स की कार्डिनलिटी के ऊपर फोकस करेगा जी, टू सेट्स की कार्डिनलिटी के ऊपर फोकस करेगा। तो हमारा पांचवा टाइपोलॉजी इज इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। एनी टू सेट्स आर इक्विवेलेंट व्हेन देयर कार्डिनलिटी एंड देयर कार्डिनलिटीज आर इक्वल। अगर आप बोल सकते हो सेम, जब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे रहेंगे जी, सेम रहेंगे, तब हम उनको बुलाएंगे जी इक्विवेलेंट सेट। बट ये सेट्स कितने, ये टाइपोलॉजी कितने सेट्स के ऊपर फोकस करता है? टू सेट्स इक्विवेलेंट कार्डिनलिटीज जब इक्वल रहेंगे तब। तो एग्जांपल के लिए हमें दो सेट्स लेने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने सेट ए को डिफाइन किया 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने सेट बी को डिफाइन किया जी ए बी सी एंड डी। अब जैसे ये सेट दिए इनके प्रॉपर्टीज हम सीधा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेट ए अगर ये रहेगा इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4। सेट बी अगर ये रहेगा इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4। ये दोनों सेट्स का कार्डिनलिटी इक्वल है, सेम है, तो हम उसको बुलाएंगे जी इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट बुलाने के पीछे रीजन सिर्फ कार्डिनलिटी सेम है, अंदर के एलिमेंट सेम नहीं है, कुछ कुछ मैच कर रहा है, पूरा का पूरा एक दूसरे को वो रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैंने बोला भैया मुझे पर्टिकुलर काम करने के लिए 4 जन चाहिए, तो ये वाले 4 लोग आओ या फिर ये वाले 4 लोग आओ, 4 लोग चाहिए नहीं? और हमारा फाइनल टाइपोलॉजी रहता है जी इक्वल सेट्स। अब इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स में क्या होगा, इक्वल सेट्स नाम के जैसे उनका सिर्फ कार्डिनलिटी सेम नहीं रहेगा, उनके अंदर के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो भी सेम होंगे। ठीक है, इट्स लाइक ट्विन्स, ठीक है, सब कुछ मैच करेगा। अब इक्वल सेट्स, एनी टू सेट्स आर इक्वल when their cardinalities are equal, when their cardinalities are same or equal, as well as elements in both sets are also same. Any two sets are equal sets जब उनका cardinality तो same होगा but उनके अंदर के elements भी same रहेंगे, उनके अंदर के elements भी same रहेंगे। तो अगर इसमें अगर हम example के नाम पे देखेंगे, set M को मैंने define किया जी A B C D E, और set जैसे Q को मैंने डिफाइन किया जी ए बी सी डी ई, और जैसे मैंने सेट R एक ले लिया जी 1 2 3 4। अब ये तीन सेट्स जैसे दिए हैं, ये तीनों सेट्स के अंदर हम ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर करेंगे, सबसे पहले उनकी कार्डिनलिटी के ऊपर। तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट M 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट R 5। तो ये तीनों के तीनों सेट्स कौन से टाइप के सेट रहेंगे,
इक्विवेलेंट सेट्स रहेंगे। बट अगर आप M और Q के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, उनका सिर्फ कार्डिनलिटी सेम है क्या? नहीं, उनके अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। अब मैटर नहीं करता भी ऑर्डर क्या, अगर ये ए बी सी डी की जगह अगर कुछ अलग लिखा रहता, लाइक ए ई डी सी डी, तो भी ये कलेक्शन तो कलेक्शन ही रहेगा। स्टिल हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एम क्यू आर इक्वल सेट्स, एम क्यू आर, ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। सिर्फ अगर कार्डिनलिटी मैच करेगा तो इक्विवेलेंट रहेंगे, कार्डिनलिटी भी मैच कर रहा है और अंदर के एलिमेंट्स भी अगर मैच कर रहे हैं तो वो रहेंगे जी इक्वल इक्वल सेट्स। याद रखिए, टाइप्स ऑफ सेट्स में किसी को कोई डाउट? चेरी टाइपोलॉजी रहते हैं, पहले चार टाइपोलॉजी एक सेट की कार्डिनलिटी के ऊपर, बाद वाले दो टाइपोलॉजी दो सेट्स की, एक मिनिमम दो सेट्स, मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं। हमने जैसे ये एग्जांपल में क्या देखा, हमने कितने सेट्स की कार्डिनलिटी के ऊपर फोकस किया, तीनों का कार्डिनलिटी इक्वल, तो तीनों के तीनों सेट इक्वल है। सेट्स के अंदर आगे जाने से पहले वापस थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जैसे कि नंबर्स। नंबर्स में हमने क्या देखा, नंबर्स के सिर्फ दो ही वैल्यूज होते हैं, एक रहता है उसका बेस वैल्यू और उसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। सेट का प्रॉपर्टी हमारा एक ही रहता है, दैट इज कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने रहेंगे। अब बेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मतलब दो ही वैल्यूज, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रह सकते हैं भाई, कितने भी हो सकते हैं, बराबर है। तो अब ये एग्जांपल के ऊपर फोकस करो, लेट जैसे मैंने सेट ए बोला जी, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, और मैंने सेट बी को बोला जी सेट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये दो सेट्स को मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर। अब इसका कार्डिनलिटी 10 है, इसका कार्डिनलिटी 50 है, बट अगर हम गौर करें सेट ए पूरा का पूरा सेट बी के अंदर आता है, सेट ए पूरा का पूरा हमारा सेट बी के अंदर आता है, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में कुछ अगर रिलेशन रहेगा एज वेल एज एलिमेंट्स एक सेट के अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट अगर रहते हैं, तो हम उन सेट्स के बीच में एक रिलेशन लगा सकते हैं, राइट, बराबर है, ठीक है। तो हम अब उस कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। Our next concept is subset, superset and power set. Subset, superset and power set. So let's start with first, what is subset? Most of all, ये subset, superset, ये जो concepts है, ये किसके ऊपर focus करता है जी? Two sets के बीच में जो relation है उसके ऊपर depend करेगा। और ये जो power set रहता है, ये सिर्फ हमारा single set से related ही रहता है, वो एक set से ही related concept है। Subset and superset दो set से related concept, ठीक है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे जी सबसेट। सो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू सेट्स, आर एनी टू सेट्स सच दैट, सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। समझ में आया कैसे डिफाइन किया? सेट ए मेरा काउंट वाइज छोटा रहेगा, सेट बी मेरा काउंट वाइज बड़ा वाला सेट रहेगा, ठीक है। हम इस तरीके से कोई तो दो सेट्स अज्यूम करके चल रहे हैं, सच दैट दिस एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए
belongs की जगह हम लिख सकते हैं जी also belongs in set B. ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? All elements of set A also belongs in set B. मतलब set A के अंदर जो elements हैं वो सारे के सारे set B के भी अंदर है. Then set A is subset of set B. अगर ये ऊपर वाले कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, कौन से वाले conditions जी? ये वाले. A और B कोई भी दो सेट्स हैं, such that number of elements in A is less than or equal to number of elements in B, and all elements of set A also belongs in set B. तो हम क्या बोलते हैं, जो छोटा वाला सेट रहेगा, it will be subset of set B. और इसी को अगर हम उल्टा अगर बोलेंगे तो इसी का एक और मतलब रहता है, set B is superset of set A. तो एक बात तो पता चली, अगर मेरा एक सेट दूसरे का सबसेट है तो भाई दूसरा सेट पहले का सुपर सेट रहेगा. ये रिलेशन है बस. आपने डैड के बेटे तो वो आपके रिलेशन सिर्फ एक तरफा कभी नहीं रहेगा. अगर हम बोल रहे भाई सबसेट एंड सुपर सेट, ये कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंड है? दो सेट्स के अंदर जो रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड है. तो ये जो रिलेशन रहेगा उसको कुछ तो नाम तो रहेगा, राइट? आपके ऊपर वाले जनरेशन में मॉम रहता है, डैड रहता है, फिर हमारे नीचे वाले जनरेशन में तो बेटा रहेगा, नहीं तो बेटी रहेगी, ये नाम देके रहता है. सिमिलर अगर दो सेट्स ऐसे हैं, एक के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर अगर रहेंगे तो हम पहले सेट को बुलाएंगे जो छोटा सेट रहेगा उसको बुलाएंगे जी सबसेट, और जो बड़ा वाला सेट रहेगा उसको हम बुलाएंगे सुपर सुपर सेट. नाम याद रखना बहुत ईजी है. कॉन्स्टेबल सब कॉन्स्टेबल, ऑप्शन सब ऑप्शन, सेट ह्यूमन सुपर ह्यूमन, मैन सुपर मैन, सेट याद रखना ईजी है. क्लियर? अब जैसे ही सबसेट को डिफाइन किया हमने, यहाँ पर सुपर सेट को तो लिखा है बट हम लगे हाथ सुपर सेट को भी एक्सप्लेन करेंगे. अब सुपर सेट को डिफाइन करने के लिए हम वापस से ऐसे नहीं जाएंगे, सबसेट को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है? तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, if set A is subset of set B, then set B is superset of set A. अब देखो सबसेट के लिए ये वाला कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू, इसको रीड कैसे करते हैं पता है ना, इट इज रेड एज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? अब हमने डिफाइन तो कर लिया बट जब तक आप एग्जांपल्स नहीं देखते हो, छोटे वाले भी सही बट एग्जांपल्स जब तक आप नहीं देखते हो क्लैरिटी पूरा क्लियर नहीं होता. इसलिए पिक्सलेटेड फोटो पार्ट व्यक्ति और फैलाना बट डिटेल्स में कह चुके, ठीक है? तो सिमिलरली आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया बट एग्जैक्टली कैच नहीं होगा. अब जैसे कि मैंने सेट ए को बोल दिया, सेट ए 1, 2, 3, 4 and 5, और सेट बी को बोला जी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मैंने ये दो सेट्स लिए. अब यहाँ पर हमने ऑब्जर्व क्या किया जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है 11. यहाँ के 3 और उधर के 8, ये हो गया जी हमारा 11.
सिर्फ कार्डिनलिटी मैच करके काम नहीं होगा, अब अंदर के एलिमेंट्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर ही है, राइट। तो बेसिकली हमारा ये जो स्टेटमेंट था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ऑल्सो बिलोंग्स इन सेट बी, ये यहाँ पर जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ये हम हर बार स्टेटमेंट लिखते बैठेंगे क्या, नहीं। तो इसको एक नोट करने का तरीका रहता है, इट इज ऑल्सो नोटेड एज लाइक दिस, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहां पर ध्यान दें, ये कैसा, ये सी टाइप मत लिखना, थोड़ा सा लंबा चीज है, देवदर्शन आना यू टाइप कसा लगता टीका कसा, तो थोड़ा सा छोटा, और इसके नीचे ये इक्वालिटी के साइन वाला एक लाइन। अब ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन था, ये कंडीशन हो रहा है, इसलिए हम इसको सबसेट बुलाते, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देखेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल से हमारा पेट नहीं भरेगा। जैसे मैंने सेट P को डिफाइन किया जी, A, C, E, G, और मैंने Q सेट को डिफाइन किया जी, A, C, E, and G, और मैंने R सेट को डिफाइन किया जी, A, B, C, D, E, F, and G। अब दो सेट्स की जगह हमने एग्जांपल के लिए कितने सेट्स देखे थे, तीन सेट। अब मजेदार बात, हमने अब तक जो सीखा उसके हिसाब से सेट P एंड Q कैसे इक्वल सेट, मतलब उनका कार्डिनलिटी सेम, उनका कार्डिनलिटी सेम है। अब देखो थोड़ा सा पीछे जाओ, हमने जो सबसेट का डेफिनेशन लिखा बॉक्स जिसे किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, इसमें से ये कंडीशन इक्वल टू वाला तो सेटिस्फाई होता है, लेस देन और इक्वल टू बोला था, एक तो लेस देन रहे या फिर कम से कम इक्वल रहे, मतलब P के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका हाईएस्ट वैल्यू Q के लोएस्ट वैल्यू की तरफ जा सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज 5, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q इज ऑल्सो 4, तो ये इक्वालिटी के साइन को ये करता है, फॉलो करता है। तो जब अगर दो इक्वल सेट्स अगर रहते हैं वहां पर मजा आता है, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q इक्वल्स टू 4, और हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सेट P एंड सेट Q आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। तो जब इक्वल सेट्स रहते हैं, वन सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ अदर सेट, P एक सबसेट ऑफ Q, Q एक सबसेट ऑफ P, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, बट ये कहां पर पॉसिबल होता है, जब दो सेट्स इक्वल रहेंगे तभी होगा, अदरवाइज बेटा बेटा होता है बात, बट इक्वल सेट्स का मतलब दोनों भाई भाई है, P Q का भाई है, मतलब Q P का भाई है, क्लियर है। तो जब इक्वल सेट्स रहेंगे तब हम बोल सकते हैं आइदर P इज सबसेट ऑफ Q बोल सकते हो, या फिर Q इज सबसेट ऑफ P बोल सकते हो, ठीक है। तो अब हम ये तीन एग्जांपल्स के ऊपर, ये तीन सेट्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डालते हैं। पहला वाला, P इज सबसेट ऑफ Q, हम ऐसा बोल सकते हैं पहली बार देख के, एंड Q इज सबसेट ऑफ P, और हम Q बोल सकते हैं सिंस P and Q are equal sets. Since P and Q are equal sets, हम बोलेंगे P is subset of Q and Q is subset of P. हम ऐसा आगे पीछे जा सकते हैं।
दूसरा ऑब्जर्वेशन, अब हम क्या करते हैं, आइदर पी और आर को ले लो या फिर क्यू एंड आर को ले लो, सिंस पी एंड क्यू आर इक्वल, दोनों में से किसी भी एक को लिया तो भी चल जाता है। जैसे मैंने पी को पकड़ा और आर को पकड़ा, अब हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, और हमारा ये दूसरा वाला कंडीशन भी सैटिस्फाई हो रहा है, कौन सा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी ऑल्सो बिलोंग्स इन सेट आर, तो ये तो होता ही है। तो यहाँ पर सीधा क्या बोल सकते हैं जी, देयरफॉर सेट पी इज सबसेट ऑफ सेट आर, बट आर के अंदर और कुछ एलिमेंट्स है, देखो जैसे कि ये वाले एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, राइट, मतलब सेट पी पूरा का पूरा आर के अंदर तो आता ही है, बट पी पूरा लेने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बचता है, तो बेसिकली ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। हमारे यहाँ पर ऊपर पहले वाली कंडीशन में क्या था जी, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, तो ये इक्वालिटी जब रहेगा पॉसिबल तब हम उसको बुलाते हैं जी सबसेट, बट व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज लेस देन फॉर श्योर कम, तब हम इसको कैसे बुलाएंगे जी, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बोलते हैं जी पी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। अब इसको रीड हम कैसे करेंगे, सेट पी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट आर, सेट एंड प्रॉपर, सॉरी सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस समझ लो, सबसेट पी एंड क्यू के जैसे उनका कार्डिनलिटी इक्वल हो सकता है, प्रॉपर सबसेट उनका कार्डिनलिटी कभी भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है, जब इक्वल सेट्स थे तो हमने क्या बोला भाई, आप आइदर पी क्यू का सबसेट है बोल दो या फिर क्यू पी का सबसेट है बोल सकते हो, लाइक दोनों साइड में जा सकते हो, बट यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं, पी इज सबसेट ऑफ आर, आर इज सुपर सेट ऑफ पी, ये उनके रोल्स फिक्स है, ठीक है, तो मतलब हम क्या अंडरस्टैंड किए, वो ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे बेटे, प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया, ठीक है, उनको कंपेयर करोगे, अब सारे के सारे जो कंसेप्ट देख रहेंगे अब तक के उनको एक साथ ऑब्जर्व करेंगे। समझ लो लर्निंग करना मतलब बस एक एक निपटाते जा रहे हैं, नहीं, हमने जो देखा है अलग अलग उसको एक साथ कंबाइन करके भी देखना पड़ता है। जैसे कि हमारा पहला ऑब्जर्वेशन, अगर मैंने बोला पी इज सबसेट ऑफ क्यू, अगर ये डिफाइन किया अगर रहेगा तो इसका मतलब ये भी रहता है, इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी रहता है इक्वालिटी इज पॉसिबल, इक्वालिटी ऑफ सेट इज पॉसिबल, और वही हमारा उसी के अंदर दूसरा ऑब्जर्वेशन, इफ पी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, अगर ये अगर बोला तो इसका मतलब रहेगा जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, तो इक्वालिटी ऑफ सेट इज नेवर पॉसिबल, पॉसिबल हो गए ही नहीं, इक्वालिटी ऑफ सेट्स इज नॉट पॉसिबल। तो देखो इसी को हम बार बार अलग अलग तरीके से जब रीड करेंगे या फिर अंडरस्टैंड करेंगे आपको और एक क्लैरिटी आएगा, इक्वल सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स हो सकते हैं बट वो एक दूसरे के कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे, क्लियर। इफ पी इज सबसेट ऑफ क्यू, पी के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं वो किसके बराबर हो सकते हैं, क्यू के बराबर हो सकते हैं, बट इफ पी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, पी के अंदर कितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका नंबर हमेशा क्यू से छोटा ही रहेगा, हमेशा कम रहेगा, वो कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे, समझ में आया।
सबसेट इक्वालिटी इज पॉसिबल, प्रॉपर सबसेट इक्वालिटी इज नेवर पॉसिबल हो गया। प्रॉपर सबसेट मतलब Q के अंदर कोई तो एक ऐसा एलिमेंट रहेगा जो P में नहीं रहेगा। सबसेट दोनों के अंदर एलिमेंट सेम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। यहां तक क्लियर है? इसके ऊपर और दो एग्जांपल्स करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब P इज सबसेट ऑफ Q को हम कैसे लिखते हैं जी? कुछ इस तरीके से, P इज सबसेट ऑफ Q। नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा है, मतलब इक्वालिटी इज पॉसिबल। बट अगर मैं बोल रहा हूँ P इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, इसको हम कैसे लिखेंगे जी? P इक्वालिटी नहीं रहेगा अब नीचे, इसी को मैं इसके साथ रिलेट करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर कंफ्यूजन होता है, सर मुझे सबसेट सुपरसेट समझ में आया बट मुझे प्रॉपर सबसेट समझ में नहीं आया, व्हाट इज द डिफरेंस? प्रॉपर सबसेट में उनका इक्वलिटी पॉसिबल नहीं रहता, एक सेट फॉर श्योर कम रहेगा, दूसरा सेट फॉर श्योर ज्यादा रहेगा, कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबसेट एंड सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट का, ठीक है, क्लियर? अब वापस से हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इसके ऊपर आएंगे सबसेट के ऊपर। अब अगर मुझे अगर कोई एक बड़ा वाला सेट दिया रहेगा तो भाई उसके कितने सेट्स हो सकते हैं, इसके कितने सबसेट्स हो सकते, ठीक है, और उसके ऊपर जाएंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट कंसेप्ट आएगी नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो लेट जैसे हमें कोई तो एक सेट दिया हुआ है और हम देखना चाहते हैं कि भाई उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। अब सबसेट तो समझ में आ गया ना, सबसेट मतलब भाई मेरा कोई भी एक सेट का एलिमेंट मेरे बड़े वाले सेट में होना चाहिए, ठीक है। सो let capital A is any finite set, then number of possible subsets of set A is also finite। अगर A अगर एक finite set है तो उसके possible subsets भी कैसे रहेंगे? Finite रहेंगे, countable रहेंगे, ठीक है। And number of elements in A अगर let's just ये रहेगा M, then number of possible subsets is equal to 2 to the power। मेरे finite set के अंदर जितने भी element रहेंगे उस set के possible subsets कितने रहेंगे? 2 to the power m। अब हम इसको देख तो लिया और इसको example के ऊपर observe करें। हम बड़ा वैल्यू नहीं लेंगे m का, हम m का जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटा वैल्यू लेंगे, बट कैसा वैल्यू लेंगे? फाइन है, जो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट जस्ट मैंने एक सेट ए पकड़ लिया और सेट ए के अंदर एलिमेंट्स ले लिए जी 1, 2 एंड 3, ज्यादा एलिमेंट्स। अब हमने यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसके पॉसिबल सबसेट्स देख कितने आएंगे, हमें पता है ये रट्टा मार के हो जाएगा, टू द पावर एम हो जाएगा, बट अंडरस्टैंड करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। अब ए के अगर सबसेट्स ढूंढने हैं तो जो भी सबसेट्स रहेंगे
उनके अंदर जो भी काउंट रहेगा ए से छोटा रहेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर रहेगा, ए के बराबर रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं निकालने जा रहा हूँ जी नंबर ऑफ सबसेट्स। अब नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए सबसे पहले मैं कितने सबसेट्स हैं वो देखते जाऊंगा, एक एक नोट डाउन करते जाऊंगा। सबसे पहला मैं ये तीनों में से कोई भी कितने भी एलिमेंट पकड़ के छोटा वाला सेट बना सकता हूँ, राइट? मेरे पास कुछ काउंट है भाई, उसको छोटे वाले पार्ट में डिवाइड करना, तो उसमें से कुछ चूज करूंगा। कितने चूज करूंगा वो मेरे के ऊपर, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे मैंने सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया, कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने सोचा जी एक एक एलिमेंट सेलेक्ट कर, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वन सेलेक्ट किया, फिर टू सेलेक्ट किया, फिर तीन सेलेक्ट किया, ये भी हमारे सिंगलटन सेट बन गए। अब मैंने क्या सोचा भी, अब एक एक एलिमेंट करके तीन ही बन सकते, उससे ज्यादा तो नहीं बनेंगे। अब मैं कितने एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, दो दो एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने दिया जी वन एंड टू, वन एंड थ्री एंड टू एंड थ्री। ठीक है, एंड सबसे फाइनली सबसेट में हमने क्या देखा, सबसेट इक्वल हो सकते हैं, प्रॉपर सबसेट इक्वल नहीं होते, बट सबसेट इक्वल हो सकता है। तो तीनों के तीनों एलिमेंट सेलेक्ट किए जी, वन टू एंड थ्री, इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो सिलेक्शन हम नहीं कर सकते। हमने जीरो सिलेक्शन किया, हमने वन सिलेक्शन किया, हमने दो का सिलेक्शन किया, हमने तीन का सिलेक्शन किया, कार्डिनलिटी तीन है तो ज्यादा से ज्यादा तीन ही सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाहर का पॉसिबल है नहीं। अब काउंट करेंगे हमारे कितने सबसेट्स बने, नल सेट एक, सिंगलटन सेट तीन, दो दो वाले तीन, सात हो गए और वो पूरे आठ हो गए। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिले, आठ मिले। अब मैं एट को ऐसा लिख सकता हूँ, टू का पावर थ्री, राइट? तो हमारा कार्डिनलिटी क्या था, थ्री, लाइक एम। अब m की जगह अगर मैंने तीन रखा तो 2 टू द पावर m, मेरे टोटल पॉसिबल सबसेट्स हैं, सबसेट्स हैं। यहां तक क्लियर? अब मजेदार बात, अगर ये सेट का इक्वल सेट अगर मैंने हटा दिया तो क्या बचे, अब प्रॉपर सबसेट्स। अब क्या बचे हमारे से, प्रॉपर सबसेट्स। देखिए प्रॉपर सबसेट का क्या बोला है, इक्वलिटी पॉसिबल नहीं रहेगा। सबसेट में इक्वालिटी पॉसिबल है, प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे हैं, हमने कौन से वाले फॉर्मूले को फॉलो किया जी, 2 to the power m, जिसके अंदर एक इक्वल सेट भी रहेगा। बट जैसे ही हम इक्वल सेट को बाहर कर देंगे, अब ये बाकी के बचे के सारे क्या बन जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। तो अगर हम नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स अगर ये बोल रहे, तो हम यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स इक्वालिटी वाला एक हटा के, मतलब अगर हमारा इसका 2 to the power m रहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक से घटाना पड़ेगा। मतलब सेट a का कार्डिनलिटी 3 था तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 8। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, 8 - 1 = 7, सिर्फ एक हट जाएगा। ओके, तो रिलेशन कैसे रहेगा, अभी नंबर ऑफ सबसेट्स में से एक हटा दिया तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, सिर्फ कौन सा सेट हटेगा, इक्वल सेट हट जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, मेरे कार्डिनलिटी कुछ भी रहे बट सबसे पहले मैंने कितने सेलेक्ट किए, जीरो, जीरो सिलेक्शन। और जब भी मैं जीरो सिलेक्शन करूंगा तो मेरा कौन से टाइप का सेट बनेगा, हिंट देता हूँ, नल सेट बनेगा। मैं सपोज करता हूँ नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक और ऑब्जर्वेशन क्या बनता है जी, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो अभी भी हम किसके ऊपर है, कौन सी नल सेट के ऊपर है, सबसेट के ऊपर। हमने सबसेट देखा, सबसेट जिसका होता है वो सुपर सेट है, और सबसेट का कार्डिनलिटी अगर कम रहेगा तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाता है। फिर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने रहेंगे, फिर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने अगर रहेंगे, कौन सा ऐसा सेट है जो हर एक सेट का सबसेट होता है, बेसिकली हम किसके ऊपर है, अभी भी सबसेट के ऊपर। अब हम जाएंगे जी
सुपर सेट भी होता है, बट उसके ऊपर जाने से पहले इसमें किसी को कोई डाउट। सबसेट हमेशा कौन सा वाला सेट रहेगा? छोटा वाला सेट विल बी सबसेट। अब जैसे बोला नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, अगर सुपर सेट की अगर बात करें, हमने क्या देखा? सबसेट छोटा वाला सेट का, सुपर सेट बड़ा वाला सेट का। अब बड़े से बड़ा सेट कौन सा हो सकता है? यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट, सारे के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सुपर सेट को अगर हम डिफाइन अगर अच्छे से करना जाए, करने के लिए अगर जाए, तो हमारा पास बेस्ट एग्जाम्पल रहता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे जी यूनिवर्सल सेट। उसको डिफाइन करने के पीछे पर्पस क्या है वो भी एक आपको आइडिया आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर हमने एक ऐसा छोटा वाला सेट देखा जो हर एक का पार्ट है। अब हम एक ऐसा बड़ा वाला सेट देख रहे हैं, बाकी के सेट सारे के सारे इसका पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। It's called universal set. It's called universal set. अब universal set का cardinality क्या रहेगा? It is an infinite set. ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इसके ऊपर, इट इज इनफिनिट सेट। तो हमारा एक और छोटा सा कह रहे थे, जैसे नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या रहता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। आप थोड़ा सा अगर आप पॉज लोगे और अच्छे से सोचोगे, सबसे छोटा हमने जो पहले टाइपोलॉजी देखे, पहला टाइपोलॉजी क्या था हमारा? नल सेट। चौथा टाइपोलॉजी क्या था? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो जो फाइनाइट सेट्स रहेंगे वो हमेशा नल सेट से बड़े रहेंगे, बट यूनिवर्सल सेट से छोटे रहेंगे। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? नल सेट सबका पार्ट है और सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है? छोटा सा टॉपिक देखते हैं, दैट इज वेन डायग्राम। फिर आज के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। क्लियर? अब वेन डायग्राम के पीछे पर्पस क्या रहता है ये कल भी बताया था, बट आज वापस से बताऊंगा। जो रहता है कि हमारा पार्ट है उसको बोलते हैं जी डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। जैसे आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, हमने 10th तक अलजेब्रा, ज्योमेट्री या फिर उसके अंदर के जो कंसेप्ट है वो अलग अलग सीखे थे, बट अब यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको एक साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट रहेगा ये अलजेब्रिकली भी रहेगा एज वेल एज ज्योमेट्रिकली भी रहेगा। अब तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखे, सेट ए लिखा, सेट बी लिखा, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन कौन से वाले फॉर्मेट में था? थ्योरी था, अलजेब्रिक था। डायग्राम के रिस्पेक्ट में जैसे आप जाओगे वो आपका कौन सा वाला पार्ट बन जाता है? ज्योमेट्रिक पार्ट बन जाता है। तो अब जब हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑब्जर्व करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हम किसके ऊपर फोकस करेंगे जी? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मेन तरीका रहता है जी हमारा वेन डायग्राम। और ये जो भी वेन डायग्राम रहेगा वो क्या शो करेगा जी? वेन डायग्राम हमारे सारे के सारे सेट्स शो करेगा, बट ये सेट जब भी आता है वो खुद का प्रॉपर्टी लेकर आएगा,
तो ये जो वेन डायग्राम रहेगा उसके अंदर हमें सेट तो दिखानी ही है, डिफाइन तो करने ही है वो डायग्राम में, बट उधर उनका प्रॉपर्टी भी मेंशन होगा, दैट इज देयर कार्डिनलिटी, उनका काउंट जिस डायग्राम के ऊपर शो करेंगे. सेट्स का कार्डिनलिटी जो डायग्राम पे शो करते हैं इट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम. सिंपल अंडरस्टैंडिंग, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी हम लिखेंगे. सो ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. सो ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग any number of sets with their characteristics. characteristics का ही मतलब रहता है जी प्रॉपर्टी, ठीक है. थ्योरम, फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला, ये क्या रहता है, सब एक ही मतलब है. थ्योरम हमारा जो रहता है वो थ्योरेटिकल रहता है, स्टेटमेंट में रहता है. फॉर्मूला हमारा मैथमेटिकल फॉर्मेट में रहता है. ऑब्जर्वेशन हमारा थिंकिंग प्रोसेस में रहता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट उनका सिर्फ प्लेस अलग अलग है या फिर मीडियम अलग अलग है, बट मतलब एक ही रहेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वही रहेगा, वो खुद का प्रॉपर्टी. So a diagram representing any number of sets, any number of sets मतलब कितने भी sets हैं, with their characteristics, it's called Venn diagram. It's called Venn diagram. अब ये Venn diagram बनाने के लिए हम पिछले वाले जो concepts हैं उनको थोड़ा सा use करेंगे, ठीक है. मैं अब तक पावर सेट पे नहीं गया, जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है. अब वेन डायग्राम, यहाँ पर हमने लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या देखा था, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. तो जब हम डायग्राम के हिसाब से अगर दिखाने के लिए जाएंगे, हमारा सबसे बड़ा वाला सेट क्या रहेगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट, बाकी के सारे सेट उसी का पार्ट रहेंगे, उसी का पार्ट रहेंगे. सो हम नॉर्मली किस तरीके से शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट. और हमारे जो बाकी के सेट्स रहेंगे आप किसी भी शेप में दिखा सकते, डजंट मैटर. आपको सर्कल दिखाना है, सर्कल दिखाओ, ट्रायंगल दिखाना है, ट्रायंगल शो करो. आपको कोई और शेप पसंद आता है तो वो यूज कर सकते हो, आई डोंट माइंड, ठीक है. सर्कल इसलिए करते हैं भाई कोई कॉर्नर नहीं रहेगा, स्मूथली पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है. ओवरलैपिंग में ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, तो ऊपर से सारे के सारे ओरिएंटेशन सेम ही रहता है, राइट. लाइक ट्राइंगल का पोजीशन अगर ऐसा अगर रहेगा और उसको अगर मैंने थोड़ा सा टिल्ट अगर कर दिया ऐसा देखोगे तभी सीधा लगेगा. सर्कल को कैसा भी रखो वो हमेशा सीधा ही दिखता है, ठीक है. इसलिए यूनिवर्सल सेट हमेशा हम बॉक्स में दिखाएंगे, बट अंदर के जो सेट्स रहेंगे वो हमेशा सर्कल में हम प्रेफर करते हैं. अब ये मैटर नहीं करता सर, इसका कार्डिनलिटी ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा बड़ा लगा, समझ में आया. तो इसका कार्डिनलिटी कम है तो थोड़ा सा छोटे साइज में कैसे क्लियर. तो अब तक हमने जो देखे हुए हैं टाइपोलॉजी उसको ये वाले सेट्स में हम दिखाने का ट्राई करेंगे. वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. वेन डायग्राम समझ में तो आ चुका है. अब इस वेन डायग्राम में भी हम वापस से क्या डिफाइन करेंगे, यही वाला, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ उसका अल्जेब्रिक डिस्क्रिप्शन देखा, उसका हम ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम भी अगर देखेंगे. तो अगर अब जैसे एग्जांपल अगर बोला रहेगा ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसके दो मतलब रहेंगे, आइदर ए इज लेस देन बी और ए एंड बी मे बी इक्वल. तो हम यहाँ पर पहला केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये हो सकता है, या फिर दूसरा केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ऐसा हो सकता है. तो उसके हिसाब से हम वेन डायग्राम बनाएंगे. जैसे कि अगर मेरा एक यूनिवर्सल सेट रहेगा उसके अंदर मैंने एक बड़ा वाला सेट बी बनाया और दूसरा वाला सेट ए बनाया, दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज माय यूनिवर्सल सेट. अब यहां पर क्या हो जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज फॉर श्योर लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज
प्रॉपर सबसेट ऑफ एंटिटी, हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम पॉसिबल है, तो यहां पर हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, उसके अंदर ही हमने सेट बी बनाया। अब यहां पर इसको क्या क्या लिखूंगा मैं, ये इक्वल सेट है ना, तो भाई मेरा सेट ए भी यही है और सेट बी भी यही है, और ये जो मेरा स्क्वायर है वो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब यहाँ पर देखो ये वाले पार्ट में, ये जो मैंने अभी शेडेड पार्ट किया है वो ऐसा पार्ट है जो बी में है बट ए में नहीं है, देयर इज सम पार्ट जो बी में है बट ए में नहीं है, तब हम क्या बुलाते हैं ये उसको, प्रॉपर सबसेट। बट अब यहाँ पर जो पार्ट ए में है वही पार्ट बी में है, बी में ऐसा कोई पार्ट है जो ए में नहीं है, तब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ। अब देखो जो थियोरेटिकली सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट सीखा था ना डायग्राम के ऊपर, क्लैरिटी ठीक है, सेकंड वाले डायग्राम में ए इज सबसेट ऑफ बी या फिर बी इज सबसेट ऑफ ए, कुछ भी बोल सकते हैं, बोथ आर इक्वल। आपके पास खुद का स्टेशनरी रखा हो, आपका स्टेशनरी मतलब आपके टूल्स रहते हैं, अगर एक सोल्जर के लिए उसके टूल्स गन एंड इक्विपमेंट्स रहेंगे, एक स्टूडेंट के लिए उसके टूल्स मतलब उसका स्टेशनरी रहता है, एक कुक करने वाले या फिर कुकिंग करने वाले पर्सन के लिए जो यूटेंसिल्स रहते हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो उसके टूल्स रहते हैं, अब उनको वो यूज कैसे करता है वो उसका खुद का स्किल रहता है। ये दो चीज़ें चाहिए रहती है हमें कुछ भी लर्न करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए, प्रॉपर टूल्स एंड प्रॉपर स्किल्स। टूल्स बाहर वाला पार्ट है, स्किल अंदर वाला पार्ट है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो बोले सेम उसी तरीके से। प्रॉपर टूल्स रहेंगे और प्रॉपर स्किल रहेगा तब भी आप उनके मिक्सचर से प्रॉपर आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन हथौड़ा वापरत नहीं ना स्क्रू ड्राइवर, अपन क्रिएट हो गया ना स्क्रू ड्राइवर नहीं वापरे क्रिएटिंग में लगवाए, ठीक है। आंघोळीसाठी आपण ताट नाही वापरतो, जेवायला आपण बादली नाही, गेटिंग माय पॉइंट, प्रॉपर टूल्स प्रॉपर स्किल्स ये दो चीजें चाहिए। टूल्स मतलब ये आपका इंफॉर्मेशन रहेगा जो आपको पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन का टाइम आप उसको यूज कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप सबसेट सुपरसेट में किसी को कोई डाउट, प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, वेन डायग्राम की मदद से कितना इजीली काम हो जाता है समझ में आ गया, ओके। अभी भी टाइम है थोड़ा सा, अब हम पावर सेट देख लें, पावर सेट बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, वो ज्यादा दूर दूर तक नहीं जाता है, हमें आगे जाके सबसेट प्रॉपर सबसेट ये टाइप के कंसेप्ट बार बार यूज करने को आएंगे, बट हमारा पावर सेट काफी लिमिटेड, काफी छोटा कंसेप्ट। पावर सेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा सबसेट के ऊपर, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं सबसेट जो भी है उसका छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या क्रिएट करता है जी, पावर सेट क्रिएट करता है। बट पावर सेट के लिए मैंने क्या बोला, पावर सेट हमारा किसके कितने सेट्स के ऊपर हम देखते हैं हमेशा, सिंगल सेट के ऊपर हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स वाले कंसेप्ट देखा, राइट, कितने रहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, 2 to the power m, तो देखो पावर सेट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, पावर सेट ऑफ एनी सेट, या फिर ऐसा बोलेंगे एनी फाइनाइट सेट,
पावर सेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट ए इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स. हमने पॉसिबल सबसेट्स निकाले थे, तो जो पॉसिबल सबसेट्स रहेंगे उनका सेट, जितने भी पॉसिबल इंडिविजुअल सबसेट्स रहेंगे उनका कलेक्शन, मतलब हमारा क्या रहेगा जी, और पावर सेट रहेगा. सिंपल, पावर सेट इज व्हाट, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड एज पावर सेट. इट इज नोटेड एज, और इट इज डिनोटेड एज, इसको हम लिखेंगे कैसे, हमेशा पावर सेट ऑफ एनी बोलेंगे. इट इज डिनोटेड एज पी ऑफ, इसको रीड कैसे करेंगे जी, इसको हम रीड करते हैं जी पावर सेट ऑफ ए. इट इज डिनोटेड एज पी ऑफ ए एंड इट इज रीड एज पावर सेट ऑफ ए. पावर सेट ऑफ, अगर पावर सेट खुद एक सेट है तो उसका कार्डिनलिटी भी होगा, ठीक है. तो हम उसको एक ना एक लंबा करके देखते हैं. एग्जाम्पल, लेट ए इज एनी सेट, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, लेट जैसे ए बी सी, ये तीन एलिमेंट्स है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3. अब हमारा थोड़ा सा पीछे जाते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने रहेंगे फिर इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power 3, दैट इज 8. बट हमारा पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो रहेगा हम इसको क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट. ये जो नंबर ऑफ सबसेट्स रहेगा ये क्या बन जाएगा हमारा, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट. दिस इज अवर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए इज इक्वल टू 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए. समझ में आया, यस. कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए, अगर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए. हमारे पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स रहेंगे, तो देखो पावर सेट ऑफ ए को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ सेट ऑफ, सबसे पहले नल सेट ए बी सी, ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, ए बी एंड सी, ये क्या बन गया जी हमारा पावर सेट ऑफ ए. डेफिनेशन को मैच कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. तो ये जो मेरा सेट ए था, क्या ये सेट के अंदर उसके सारे के सारे सबसेट्स आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं. ये सेट क्या कहलाएगा जी, पावर सेट ऑफ ए. पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 8. अब 8 एग्जैक्टली क्या है हमारा, 2 to the power 3, बट 3 क्या था हमारा, कार्डिनलिटी ऑफ 8. इसलिए मैंने क्या लिखा जी, 2 to the power cardinality of A becomes cardinality of power set A. ज़्यादा tough नहीं है, first time या फिर second time read कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, बार बार देखो तो समझ आएगा. Examples के ऊपर हम try कर सकते हैं. Let's just say मैंने set M बोला 1 2 3 4 5, ठीक है. तो मुझे बताओ इसका कार्डिनलिटी कितना है, देखते से ही बता सकते हो, 5. तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 to the power 5. अब 2 to the power 5 मतलब कितना रहेगा, 32 रहता है, ठीक है. याद रखना, जो 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 4 के पावर याद रखेंगे तो 2 के जो पावर्स रहेंगे उसी के अंदर 4 के पावर्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है. तो हमने यहाँ पर क्या देखा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एन इज इक्वल टू 5 बना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एन क्या बनेगा, 2 to the power 5. इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 32 एलिमेंट्स.
ठीक है। पावर सेट मतलब हमने क्या बोला था जी, नंबर ऑफ या फिर इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट। अब मुझे एक बात बताओ, सेट एम के इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे? 31। इक्वल सेट बस हटाना है, जितने सबसेट्स रहेंगे माइनस वन प्रॉपर सबसेट्स रहेंगे, चाहे तो वो ऑब्जर्वेशन भी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स माइनस वन, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन। हमारे जितने भी सबसेट्स रहेंगे उसमें से एक हटा दिया, इक्वल वाला पार्ट हटा दिया, तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स मिल जाती है। माइनस वन मतलब कौन सा सेट हट रहा है वो लिख दो, हम कौन सा सेट हटा रहे हैं उसके इक्वल सेट एक ही है वो हम हटा देंगे, ठीक है। ओके, सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट समझ में आ गया। सबसेट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड एज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ A. If A is subset of B, their cardinalities may be equal. Equality is possible. But when equality is not possible, then A is proper subset of B. A is proper subset of B. Since A and B are like finite sets, then there is possibility of maximum number of subsets. ये कितना रहता है, ये हमारा 2 to the power cardinality of that set. ठीक है? पावर सेट को हमने क्या बोला, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ए हमने क्या ऑब्जर्व किया, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। एग्जांपल, तीन एलिमेंट्स वाला देखा, उसके अंदर हमने 0 एलिमेंट, फिर 1 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, इस हिसाब से चूज कर लिया। आप 4 एलिमेंट्स या फिर 5 एलिमेंट्स के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, आज हमने एंड में क्या देखा जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट इन मेन डायग्राम ज्योमेट्री, ठीक है। बट इसको अल्जेब्रिकली भी दिखाने का एक प्रॉपर तरीका रहता है, वो हम कल देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?